subscribe my channel. Also hit the bell icon for more such updates. So आज हम बात करते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है कि इट्स ऑलरेडी अप्रैल और इतनी ज़्यादा गर्मी अभी से हो गई है, तो आगे जून जुलाई में क्या होगा। तो अब हमें गर्मी जैसे जैसे आती है तो हमें टेंशन होने लगती है स्किन के बारे में कि हमारी स्किन कैसे ग्रो रहेगी, कैसे हमें टैनिंग तो नहीं हो जाएगी, हमें क्या क्या करना चाहिए समर्स में, हमें क्या किस किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। तो गाइस, या आज हम बात करेंगे कुछ उन्हीं चीज़ों के बारे में जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमें क्या क्या करना चाहिए समर्स में अपनी स्किन को ग्लो रखने के लिए। सो या गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वन इज ड्रिंक मोर वाटर। The more water you drink, the more hydrated your body is and it's completely affect in your whole body. आपके फेस के लिए वो बेनिफिट है, आपकी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वो आपको एक तरह से हाइड्रेट रखेगी और गर्मियों में आपकी बॉडी को हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे आपका जो ग्लो है ना वो ऑलरेडी आ जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहोगे। तो या गाइस, ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे। It's keeping this routine mandatory for yourself in especially summers. The second one is use sunscreen. Sunscreens play a vital role because सूरज से बहुत सारी यूवी किरण्स आती हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमें अपने फेस पे सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ ये नहीं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो ही हम ये सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। अगर आप नॉर्मल भी घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे आप 5 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकल रहे हैं, 10 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकल रहे हैं, प्लीज़ अप्लाई सनस्क्रीन ऑन योर फेस। आई पर्सनली सजेस्ट बीबी पॉन्ड स्क्रीन बिकॉज इट्स वर्क रियली अमेजिंग, जस्ट ट्राई इट गाइज। थर्ड वन इज ईट फ्रूट एज मच एज यू कैन इन समर्स, बिकॉज समर्स में हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है जो हमें हाइड्रेट रख सके। हमें भूख नहीं होगी लेकिन अगर हम फ्रूट खा लेंगे, उसके इनटेक में अगर हम फ्रूट्स लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी स्किन पे भी होगा। तो या गाइस, अगर आपको इन समर्स में परफेक्ट रहना है, अपनी स्किन को परफेक्टली ग्लो कराना है, तो ईट फ्रूट्स। एक दिन में एक बार तो फ्रूट्स खाइए, ये नहीं कह रही कि एक ही अंगूर खाइए, नहीं, अब कम से कम दिन में एक बार तो फ्रूट्स लीजिए जिससे आपकी बॉडी के लिए और आपकी स्किन के लिए दोनों के लिए बेनिफिट। मॉइस्चराइज योर बॉडी कम्प्लीटली। हम सर्दियों में तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं अपनी पूरी बॉडी पे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गर्मियों में भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मॉइस्चराइज़ कीजिए अपनी बॉडी को, नहाने के तुरंत बाद ही आप मॉइस्चराइज़र्स लगाइए। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं समर्स के लिए भी, तो अप्लाई दोज मॉइस्चराइज़र्स। अगर आप मॉइस्चराइज़र्स मार्केट के नहीं लगाना पसंद करते हैं तो आप गोली का तेल लगा सकते हैं, आप कोई एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, नेचुरल एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या फिर पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगी पतंजलि का एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है। आप वो भी एक एलोवेरा जेल है, वो भी अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज फील होगा अपनी बॉडी पे अगर वो लगाएंगे और उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। सो द लास्ट वन इज डिटॉक्स वाटर, जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत ज़रूरी सजेस्ट करूँगी कि आप वो लोग वो चीज़ ज़रूर पीजिए। डिटॉक्स वाटर क्या होता है? डिटॉक्स वाटर एक इस तरह का मिरेकल वाटर होता है जो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये डिटॉक्स वाटर हम कई तरह से बना सकते हैं। हम नींबू का डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, हम जिंजर का डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, हम कुकुम्बर से डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, हम नॉर्मल लेमन सोडा जो हो उसको भी हम डिटॉक्स वाटर बोल सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली बोलूँगी कि आप अगर डिटॉक्स वाटर आपको पीना है और इस डिटॉक्स वाटर को आप पीजिए दिन में 2 से 3 बार। अगर आप पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, लाइक अगर आप सिनेमन मिलाते हैं उसमें, तो पर्सनली सजेस्ट करूँगी गाइस उसको 2 से 3 बार आप ना लीजिए। सिनेमन वाला वाटर सिर्फ दिन में एक बार पीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और आपकी बॉडी पे उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा उसको इंटेक कर लोगे। तो या गाइस, दिस डिटॉक्स वाटर आर आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की डिटॉक्स वाटर की रेसिपी चाहिए तो डू कमेंट ऑन माय वीडियो, आई विल अपलोड अ वीडियो फॉर दैट आल्सो। सो या गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो डू गिव द थम्स अप एंड शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।